हमारे ओकलामा हिंदी प्रेयर लाइन में वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं प्रभु की दासी का, हम वेलकम करते हैं आज की आराधना करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर वेलकम, प्रभु आपको आराधना। हमारी आत्मिक दौड़ में यीशु हमारे साथ है, इस गीत को ध्यान करते हुए हम गाएंगे। यस वेलकम। यीशु साथ है मेरी आत्मिक दौड़ में, अकेला हूँ नहीं कभी मैं। यीशु साथ है मेरी आत्मिक दौड़ में, अकेला हूँ नहीं कभी मैं। मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशाने तक वो पहुँचाएगा। मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशाने तक वो पहुंचाएगा। ऊंची और पवित्र बुलाहट से वो ले आया मुझको राजमार्ग में। ऊंची और पवित्र बुलाहट से वो ले आया मुझको राजमार्ग में। सारी अशुद्धता को वचन से दूर करके पवित्रता से दौड़ो मैं। सारी अशुद्धता को वचन से दूर करके पवित्रता से दौड़ो मैं। यीशु साथ है मेरी आत्मिक दौड़ में, अकेला हूँ नहीं कभी मैं। यीशु साथ है मेरी आत्मिक दौड़ में, अकेला हूँ नहीं कभी मैं। मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशाने तक वो पहुँचाएगा। मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशाने तक वो पहुँचाएगा। सभी है दौड़ते पाता ही ना मैं खे, धीरज से दौड़ कर जीतूंगा मैं। सभी है दौड़ते पाता ही ना मैं कि धीरज से दौड़ कर जीतूंगा मैं। उद्धारकर्ता यीशु को देखते हुए मैं ठोकर कभी ना खाऊं मैं। उद्धारकर्ता यीशु को देखते हुए मैं ठोकर कभी ना खाऊं मैं। यीशु साथ है मेरी आत्मिक दौड़ में, अकेला हूँ नहीं कभी मैं। यीशु साथ है मेरी आत्मिक दौड़ में, अकेला हूँ नहीं कभी मैं। मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशाने तक वो पहुँचाएगा। मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशाने तक वो पहुंचाएगा। शैतान की युक्तियों और सब हथियार को क्रूस पर असफल किए है यीशु ने। शैतान की युक्तियों और सब हथियार को क्रूस पर असफल किए है यीशु ने। धर्म में दाहिने हाथ से संभालता वो है, जेके साथ दौड़ता रहूं मैं। धर्म में दाहिने हाथ से संभालता वो है, जेके साथ दौड़ता रहूं मैं। यीशु साथ है मेरी आत्मिक दौड़ में, अकेला हूँ नहीं कभी मैं। यीशु साथ है मेरी आत्मिक दौड़ में, अकेला हूँ नहीं कभी मैं। मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशाने तक वो पहुँचाएगा। मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशाने तक वो पहुँचाएगा। पहले पुनरुत्थान में शामिल होने को कूड़ा में समझता है संसार को। पहले पुनरुत्थान में शामिल होने को कूड़ा में समझता है संसार को।
मसीह को प्राप्त करने प्राण को अप्रिय जानकर निशाने कियो दौड़ में। मसीह को प्राप्त करने प्राण को अप्रिय जानकर निशाने कियो दौड़ में। यीशु साथ है मेरी आत्मिक दौड़ में, अकेला हूँ नहीं कभी मैं। यीशु साथ है मेरी आत्मिक दौड़ में, अकेला हूँ नहीं कभी मैं। मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशाने तक वो पहुँचाएगा। मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशाने तक वो पहुँचाएगा। स्वर्गीय यरूशलेम स्वदेश है मेरा, पिता और मेमने का निवास वहाँ। स्वर्गीय यरूशलेम स्वदेश है मेरा, पिता और मेमने का निवास वहाँ। अंतक बना रहकर वफादार और सच्चा, धर्म का मुकुट पाऊँ मैं। अंतक बना रहकर वफादार और सच्चा, धर्म का मुकुट पाऊँ मैं। यीशु साथ है मेरी आत्मिक दौड़ में, अकेला हूँ नहीं कभी मैं। यीशु साथ है मेरी आत्मिक दौड़ में, अकेला हूँ नहीं कभी मैं। मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशाने तक वो पहुँचाएगा। मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशाने तक वो पहुँचाएगा। मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशाने तक वो पहुँचाएगा। मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशाने तक वो पहुंचाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। को आप आशीष पाए। इस समय सिस्टर बीना जॉर्ज, इनका मैं हमारी प्रेयर लाइन में वेलकम करता हूँ। सिस्टर वेलकम। जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। प्रभु ने मुझे एक और ऐसा एक अच्छा अवसर दिया है कि मैं आप लोगों के मध्य में प्रभु के जीवित वचन को ला सकूं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। इस साल के ऑलमोस्ट अंतिम समय में जब अपन आए हैं, प्रभु का वचन जो दोधारी तलवार है, जो अपने सबके हृदय को वार पार छेदता है, उस वचन को लेकर आज इस अक्टूबर पहले में आने के लिए प्रभु ने मुझे जो सौभाग्य दिया है, इसलिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आज अपन वचन को शेयर करेंगे, वो 1 Samuel 2:1-2, पहला सामुएल उसका दूसरा अध्याय पहला और दूसरा आए है। उसके पहले कोई भी मुझे हेल्प करिएगा इस वचन को पढ़ के, उसके पहले अपन दो वर्ड प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आए, खुदा मैं अपने आप को आपके चरणों में पूरी रीति से समर्पित करती हूँ। खुदा मेरी बोली, मेरी भाषा, मेरा तन मन धन सब कुछ तेरे नाम की महिमा के लिए होने पाए। जो भी वचन यहाँ पे कहेंगे प्रभु जी, हर एक हृदय से तुम मिनिस्टर करना खुदा, केवल वचन के सुनने वाले नहीं परंतु इसके आधार पर हम चलने वाले हो सके प्रभु जी। हमारे जीवन में परमेश्वर पिता एक और क्षण हम आगे बढ़ने वाले हो सके खुदा। इस वचन को प्रभु जी आप आशीषित करिए खुदा, मुझे आप मेरे माउथ पीस को यूज कर रहे हैं परंतु आप ही मुझसे बोलिएगा। सब यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण कर प्रभु, आमीन आमीन। तो आज के वचन के लिए, आज के मैसेज 1 Samuel 2:1-2, अगर आप में से कोई भी पढ़िए इसको। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुख मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। आमीन।
यहाँ पे अपन ये हन्ना के सेकंड प्रार्थना अपन देखते हैं, फर्स्ट सैमुएल के दूसरे अध्याय में। पहले अध्याय में अपन जो हन्ना का जो प्रार्थना देखते हैं वो एकदम पेन में था, दुख से भरा हुआ एक प्रार्थना था, दर्द से भरा हुआ था। वो अपने आप को बहुत शर्मिंदा करके महसूस करती थी, वो हम ऐसा फील करती थी कि मैं एक शापित इंसान हूँ। वो ऐसा सोचती थी कि सब लोग मुझसे हेटर करते हैं, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है, क्योंकि उसके मन का जो अपन दुख देखेंगे तो ये था कारण कि उसको एक संतान नहीं था। उसके जो साथ जो रहने वाली जो पनीना थी, उसके पनीना के पास हमेशा हर ईयर वो एक एक बच्चे को प्रोड्यूस करती जाती थी। उसकी आंखों के सामने ही हन्ना के पास एक भी संतान नहीं था। आप अपन जरा सोचिए ऐसे औरतों के बारे में या ऐसे परिवार के बारे में जिस परिवार में एक संतान का एक भाग्य नहीं हो। वो जब भी सोसाइटी में आते हैं या चर्च में आते हैं या कहीं पर भी कोई से भी पार्टी में जाते हैं तो उनके मन के अंदर बाहर से तो वो लोग अच्छे दिखते हैं, अच्छे से बातें करते हैं, परंतु उनके मन में हमेशा एक दुख रहता है। अपन को इन व्यक्तियों को समझने के लिए और इन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करने के लिए अपन को प्रभु ने चुना है। तो अपन यहाँ पे अगर हन्ना को देखेंगे तो एकदम दुखी भरी हुई एक इंसान थी, और ये दुखी है उसका कारण जिसने कि उसको अपने घुटने में टिकाया था। इसी प्रकार से अपने जीवन में भी जब भी कोई दुख परेशानियां तकलीफ होती है तभी अपन प्रभु के बहुत नजदीक आते हैं। अगर अपने जीवन को जरा पीछे देखें, आज अपन लोग जहां कहीं भी है, कोई भी स्थान में क्यों ना हो, अगर आप पास्ट हो या टीचर्स हो या प्रेयर लाइन लीडर्स हो, आपको जरा पीछे देखेगा कि आपको किस सिचुएशन ने आपको यहाँ तक लेके आए हैं। तो जरूर अपने जीवन में भी एक हन्ना जैसा एक पेनफुल इवेंट अपने जीवन में हुआ है, तो इसके लिए हमको प्रभु को धन्यवाद करना है। और हन्ना का जो पहले अध्याय में जो प्रार्थना था, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और प्रभु ने उसको एक बेटा दिया, वो सैमुएल की दिया। जब सैमुएल जन्म हुआ तब हन्ना ने उस प्रार्थना को स्टॉप नहीं किया, वहां पे खत्म नहीं किया, परंतु हन्ना को एक दूसरा प्रार्थना प्रभु ने दिया। तो आज हम उस दूसरे प्रार्थना के बारे में थोड़ा सा जो अपने पास 10-15 मिनट है उसको मनन करेंगे। वो हन्ना का सेकंड प्रेयर है। तो अपन कह सकते कि फर्स्ट प्रेयर ने हन्ना को सेकंड प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित किया है। तो हमारे जीवन में भी जब हमें कुछ मिल जाता है तो हमें वहां पे प्रार्थना स्टॉप नहीं करना है। वो हमारे पहला प्रार्थना का रिजल्ट से हमें जो फल दिया है प्रभु ने, उस फल को लेके हमें दूसरी प्रार्थना को शुरू करना है। तो उसका बहुत अपन आगे देखेंगे कितना बड़ा रिजल्ट हुआ है उसका। तो अपन इस प्रार्थना से कुछ कुछ चीज अपन पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट अपन ये पढ़ेंगे कि जो हन्ना का जो सेकंड प्रेयर था, दिस प्रेयर cause rejoices you to know who God is. हन्ना के इस प्रार्थना ने हन्ना को यह सिखाया है, उसमें से यह आनंद हुआ कि उसको यह मालूम पड़े कि उसका प्रभु कौन है। सबको तो मालूम है परमेश्वर कौन है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, कलवरी क्रूस पर मरा है, तीसरे दिन जी उठा है, पवित्र आत्मा हमें दे दिया है, हमारे पास 9 वरदान है, 9 फल है, ये सब तो सबको मालूम है। परंतु रियली एक इंसान को जानना बहुत जरूरी है वो यह है कि प्रभु है कौन। एक पर्सनल रिलेशनशिप जब तक अपना अपने परमेश्वर के साथ ना हो तब तक किसी को भी समझ में पूरी रीति से नहीं आएगा कि प्रभु है कौन। एक अच्छा रिलेशनशिप को अपने जीवन में मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कितने बड़े लीडर्स क्यों ना हो जाए, कितने बड़े बुक क्यों ना लिखें आप, कितना बड़ा बड़ा प्रीचिंग सर्मन क्यों ना दे, परंतु अगर आपका रिलेशनशिप प्रभु के साथ अच्छा ना हो या आपका रिलेशनशिप दिन प्रतिदिन प्रभु के साथ संगति में अगर आप नहीं चलते हैं, अगर आप प्रभु के शब्द को सुनाई नहीं दे पा रहे हैं आपको, या प्रभु से आप बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप को जरा देखना है कि हम कहाँ पे गिरे हैं और वहां से हमें अपने आप को उभारना है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि हन्ना ने जो प्रार्थना किया था वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रार्थना किया था। उसने ऐसा लिखा है कि कोई भी प्रभु जैसा पवित्र नहीं है और कोई भी परमेश्वर के बिसाइड नहीं है, ऐसा कोई भी चट्टान नहीं है जो हमारे ईश्वर के समान, कोई भी चट्टान नहीं है। वही सब कुछ है, वही जीवन है, वही मार्ग है। ये पूरा जो अपन जो न्यू टेस्टमेंट में पढ़ते हैं वो पूरा हन्ना ने अपना हृदय खोल के उसने इस प्रभु को चख लिया है। जो इसी प्रकार से हमने अपने जीवन में इस प्रभु को चखना है तभी हमारा मन जो है आनंदित होगा प्रभु में। अपन लूक के अध्याय में पढ़ते हैं, लूक के पहले अध्याय उसके 47 वर्स में अपन पढ़ते हैं, जब मदर मेरी जो प्रेग्नेंट हुई थी, जब उसको मालूम पड़ गया था कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेग्नेंट है, तब उसने एक प्रार्थना किया था। उस प्रार्थना में वो कहती है, मेरी कहती है कि माई सोल मैग्निफाइज द लॉर्ड, मेरी आत्मा जो है प्रभु में उल्लसित है, बहुत मग्न हो रहा है। तो जब हमारी प्रार्थना हृदय के अंदर से निकलेगी तभी हमारी जो आत्मा है,
हमारा सोल जो है ईश्वर को मैग्निफाई कर सकता है। तो हम ये पढ़ते हैं सबसे पहला पॉइंट कि अपने प्रार्थना की से हमको मालूम पड़ना चाहिए कि हमारा परमेश्वर है कौन। फिर अपन दूसरी चीज हन्ना के हन्ना ने अपने प्रार्थना में ये कहा है कि माय हॉर्न इज लिफ्टेड अप, मेरा जो सींग है वो लिफ्ट अप है। अपन बाइबल में हमेशा पढ़ते हैं जहां कहीं भी सींग, जहां कहीं भी हॉर्न दिखाता है वो हमेशा अपन को दिखाते एक 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 विनिंग द बैटल, एक किसी भी बैटल में कोई जीत मिल जाता है तब उसको रिप्रेजेंट करता है कि उसका हॉर्न जो है माय हॉर्न इज लिफ्टेड अप, मींस मेरा सींग जो है उठ खड़ा हुआ है करके। तो यहाँ पे हन्ना को एक बहुत बड़ी एक विजय मिल चुकी है ईश्वर से, इसलिए वो खुद ऐसे बिब्लिकल टर्म पर यूज करती है कि मेरा जो है मेरी जो सींग है वो उठ खड़ा है प्रभु यीशु मसीह में। यहाँ पे अपन देखते हैं कि हन्ना का जो ऑपरेशन था, जो डिप्रेशन था, जो दूसरे पनीना से वो सुनती थी, ये सब प्रभु ने बंद कर दिया हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि उसका जो उसकी जो राइवल थी पनीना वो हमेशा उसको सताती थी, उसको कष्ट देती थी। क्यों? रीजन ये कि उसका वूम जो है, उसके जो गर्भ जो है बंद है। तो कभी कभी परमेश्वर अपने जीवन में बहुत सारे दरवाजों को बंद कर देता है, वो अपन को शिक्षा देने के लिए, परंतु हमें कुछ कुछ सिखाने के लिए परमेश्वर दरवाजे बंद कर देता है। पर हमें एक ही काम करना है, प्रभु से आराधना करना है, प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की महिमा करना है। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हमें पूरी तरीके से यकीन रहेगा कि हमारा परमेश्वर है कौन। कभी कभी अपन सोचते हैं कि मेरे जीवन में क्यों ऐसा हर दरवाजे क्यों बंद हो रहे हैं। अपन ऐसा सांप्स में भी देखते हैं, आशा आपने एक सांप लिखा है कि जब मैं दूसरों का प्रॉस्पेरिटी को देखता हूं तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूं, विकट लोग जो है वो हमेशा बढ़ते बढ़ते जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी प्रभु कभी कभी बहुत सारे दरवाजे हमारे वूम को बंद कर देता है। क्यों बंद करता है? ताकि हम जरा बैठ के अपने आप को जरा सोचे कि हमारा स्टैंड प्रभु में कहां पर है। अगर हमारी कलीसिया नहीं बढ़ रही है, अगर हमारे बच्चे प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर हमारे माता पिता भाई बहन जो हमारे परिवार के लोग प्रभु में नहीं आ पा रहे हैं, तो उसका कुछ कुछ उद्देश्य अपने आप को अपने को जांचना है कि इसका रीजन क्या है करके। और अपने को ये नो करना है कि हमारा प्रभु आज भी जिंदा है, आज भी उस थ्रोन में है, आज भी स्वर्ग में विराजमान है, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें सब उत्तर को मिलेगा। तो पहला दूसरा पॉइंट हन्ना ने अपने प्रार्थना में ये कहा कि माई हॉर्न इज लिफ्टेड अप। यहाँ पे अपन ये पढ़ते हैं कि अपने को जो प्रेयर कॉसेस यू टू वर्शिप द लॉर्ड, प्रार्थना से हम प्रभु को प्रार्थना करते करते हम प्रभु को आराधना करने लगते हैं। केवल प्रार्थना ही केवल वन वे नहीं करते हैं, आराधना करते हैं। आराधना प्रभु एक आराधना के एक लालची नहीं है, परंतु प्रभु ये आराधना के योग्य है। हमेशा उनको हमें आराधना करना है, गीतों के द्वारा, भजन सहित के द्वारा हमें गीत गागा के प्रभु की आराधना करना, स्तुति करना, ये हन्ना की प्रार्थना से हम सुनते हैं। फिर तीसरा दिन आप यह देखते हैं कि हन्ना के प्रार्थना में क्या होता है कि उसमें लिखा है, उसी वचन में लिखा है कि आई स्माइल एट माई एनिमीज, मैं अपने एनिमीज को देख के हन्ना स्माइल करती है। क्यों वो एनिमीज को लेकर स्माइल करती है? क्योंकि प्रार्थना ही है जो कि अपने प्रॉब्लम को देख के अपन को रिजॉइस मिलता है। जब हम पीछे मुड़ के देखें तो हमारे प्रॉब्लम्स ही हैं जिसने हमें यहाँ तक लेके आया है। अगर हम आज जो कुछ भी प्रभु में हुए हों, अगर आज हम प्रेयर लाइन के लीडर हों, या अगर आज हम पास्टर हों, या अगर हम संडे स्कूल टीचर हों, अगर हम प्रेयर बॉय हों, ये सब का रीजन क्या है? हमारा प्रॉब्लम है। तो हमारे उस प्रॉब्लम के लिए हमको प्रभु को धन्यवाद करना है कि प्रभु अगर आप हमें उस प्रॉब्लम नहीं देते तो कभी भी मैं इस लाइन तक नहीं आ पाती, या कभी भी मैं आत्मिक जीवन में इतना नहीं बढ़ पाती। उस धन्यवाद करती प्रभु जी वो क्रूस के लिए, उस धन्यवाद करती कि वो कलीसिया के प्रॉब्लम के लिए, धन्यवाद करती कि मेरे परिवार में कुछ प्रॉब्लम था, मेरे हस्बैंड या वाइफ के बीच में, उस सब के लिए धन्यवाद। उन सब के मध्य में प्रभु ने अपन को अपने विश्वास में इतना स्ट्रांग बना दिया है कि आज हम दूसरे लोगों को मिनिस्टर कर सकते हैं। आज हम एक जो टूटा मन के एक इंसान हो तो उनके पास जाके हम उनको प्रभु के वचन दे के उनको सांत्वना दे सकते हैं। हम अनेक लोगों को प्रभु में जीत सकते हैं। तो हन्ना भी यहाँ पर रिजॉइस करते उसके प्रॉब्लम को देख के, क्योंकि अब अपन देखते हैं कि ऐसे वचन के उसके फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 1:17-18 वर्स में ऐसे लिखा है कि हर फेस वॉज नो लॉन्गर डाउनकास्ट, उसका मुंह फिर कभी एकदम
डाउनकास्ट नहीं हुआ, उसका मुंह फिर कभी काला नहीं हुआ, उनका उसके मुंह में उदासी नहीं रही क्योंकि उसके मुंह में प्रभु ने खुशी से भर दिया है। तो यहाँ पे हन्ना को एक कंफर्मेशन मिलता है। तो एक इलाई, आपको मालूम है एक इलाई जो प्रीस्ट था, वो भी जब परमेश्वर के आलय में जाती थी हन्ना अपने दुख को बोलने के लिए, तो जो प्रीस्ट तक हन्ना को समझ नहीं पा सकता था क्योंकि वो भी एक इंसान था, परंतु हन्ना फेथफुली विश्वास योग्य साथ हमेशा जाके प्रभु की आराधना करती थी। और जब उसको प्रभु ने बेटा दिया, उस बेटे को वहां पे डेडिकेट किया, उसने हमेशा वो परमेश्वर के संगति में बनी रहती थी। वो पहले वो उपवास करती थी, खाना नहीं खाती क्योंकि उसके हृदय में बहुत वेदना था, परंतु जब उसका बेटा हो गया तो उसके बाद उसने अच्छे से खाना खाना शुरू किया था। वो जब वो दर्द में थी तो उसके हस्बैंड को तो वो देखना नहीं पसंद करती थी, किसी से बात करना नहीं पसंद करती है, परंतु उसने जब प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको उत्तर दिया। तो अपन यहाँ पे देखते हैं उसके बाद क्या है, वो आराधना करने के लिए आलय में गई और वहां पे प्रभु की स्तुति करने लगी। वो अपने हस्बैंड के साथ अच्छे मेल मिलाप से रहने लगी क्योंकि उसके एनिमीज को देख के वो उसके मुंह में एक 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 स्माइल आ गया उसके मुंह। तो अपन को भी अपने प्रॉब्लम को देखिए, अपन मेचर हो जाते हैं क्रिश्चियनिटी में, अपन को प्रॉब्लम को देखिए, अपन को प्रभु को थैंक करना कि प्रभु धन्यवाद इस प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि इस प्रॉब्लम के मध्य में भी तू मुझे कुछ ना कुछ सिखाने जा रहा है, प्रभु सिखा और मैं अच्छे से सीख सकूं करके। फिर अपन चौथा पॉइंट ये देखते हैं कि हन्ना की जो प्रार्थना था, योर प्रेयर कॉसेस यू टू रिजॉइस इन गॉड सेल्वेशन। अपना प्रार्थना के द्वारा प्रभु के बहुत सारे जो बिहाइंड द वर्क है, जो पर्दा के पीछे प्रभु जो काम करता है, उस काम को अपन देख सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। यहाँ पे अपन देखते हैं कि उन जमाने में जजस में लिखा हुआ है, जजस न्याय की पुस्तक में 21 चैप्टर वर्स 25 में ऐसा लिखा, उन दिनों में इसराइल में कोई भी राजा नहीं था। तो इसराइल के लोग क्या है, मनमानी जो करना था करते थे, बहुत लड़ाई करते थे, चोरी मार डालना, ये सब बहुत गंदा काम होता था वहां पे, क्योंकि कोई राजा नहीं था। तो लोग सब प्रार्थना करते कि हमें एक राजा चाहिए, हमें राजा चाहिए। प्रभु ने क्या है, इन सारे वहां के जो पुरुष लोग थे या सबके लोगों की हृदय की वेदना को देखा, परंतु प्रभु वेट कर रहा था कि कोई एक राजा तो जन्म होना चाहिए ना। अब एक राजा जन्म होना है तो एक माँ तो होना है, तो एक माँ का अगर एक बेटा जन्म होना तो माँ को प्रार्थना करना है। तो प्रभु ने क्या करा, ये इसराइल में कोई राजा नहीं था वहां पे, इसलिए प्रभु ने एक व्यक्ति हन्ना करके एक स्त्री के हृदय में एक प्रार्थना, एक स्त्री के वूम को, उसके गर्भ को बंद करके रखा और उसको ऐसा सिचुएशन में लगा रखा कि वो स्त्री जरा प्रार्थना करें। और जब उस स्त्री ने प्रार्थना किया, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और प्रभु ने उसको एक बेटा दिया सैमुएल, और ये सैमुएल बाद में इसराइल का एक राजा हो गया। तो यहाँ के प्रभु के सैल्वेशन के वर्क को देखो, प्रभु जी ने जो काम किया वो बहुत बड़ा प्लानिंग के साथ काम किया, पर अपने निगाह में अपन यही देखते हैं कि अरे हन्ना एक पुत्रहीन व्यक्ति थी, वो शायद शापित होगी, वो उसने प्रार्थना किया प्रभु ने उसको बेटा दिया। परंतु तो यहाँ ये बड़ा पिक्चर जब अपन देखेंगे तो परमेश्वर का जो बहुत सारे जो प्लान अपने जीवन में रहते हैं वो अभी के लिए नहीं रहते हैं, वो मास्टर माइंडेड है। प्रभु ने जगत की आदि से ही उसने आपको और मुझे चुन लिया था, उसने अपनी आंखों के पुतली जैसे हमको चुन कर रखा है। वचन में लिखा गया, अपन देखते हैं कि जॉन में लिखा है कि प्रभु ने हमारे लिए अपने जन्म होने से पहले ही प्रभु ने हमारे लिए ऑलरेडी प्रार्थना कर रखा था। उसी प्रकार से बहुत सारी चीजें परमेश्वर का जो काम है हमको समझ में नहीं आता है और ना ही हम समझ सकते हैं, परंतु हमें ये कुछ समझने की जरूरत भी नहीं, इतना कुछ जानने की जरूरत भी नहीं, हमें बस एक चीज समझना है कि ये परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, ये परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है, हमारी आंखों से वो आंसुओं को पोंछता है। बेस्ट एग्जाम्पल दूं, जिस प्रकार अपन सब जब कार चलाते हैं तो कार के अंदर अपने डाल देते हैं, जिस तरह जैसे अपन की डाल देते हैं इग्निशन में तो वो कार स्टार्ट हो जाता है। अपन को ये नहीं मालूम कि एक की डाला घुमाया तो कैसे स्टार्ट हो रहा है, इंजन में कौन कौन सा फंक्शन हो रहा है नहीं मालूम है, कहां कहां से कौन कौन सा वायर कनेक्शन हो रहा है नहीं मालूम है। अपन को बस इतना मालूम है कि मैंने कार में की डाला और एक्सीलेटर दबाया, कार चलने लगा, और अपन कुछ मालूम नहीं है और ना ही अपन को समझ में आएगा। अगर अपन कोई मैकेनिक समझाने वाला भी हो तो अपन को समझ में आने वाला नहीं है, परंतु अपन रोज इस कार को लेके नौकरी के लिए जाते हैं, आते सब जगह जाते हैं, उसी प्रकार से।
बहुत सारी चीजें प्रभु की हमें समझ में नहीं आएगा और ना ही अपना टाइम वेस्ट करो उसको समझने के लिए, क्योंकि हमें वो समझ में आने वाला नहीं है। हमारे बुद्धि में इतना सब कुछ ज्ञान बुद्धि नहीं है कि हम परमेश्वर की बुद्धि के समान कुछ नहीं है, हमें समझ में आने वाला नहीं है। हमें बस इतना समझना है कि प्रभु हमारे लिए मरा, हमारे लिए जिया, हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमें उसकी आराधना करना है, हमें उस पर विश्वास करना है और हमें अंत तक बने रहना है। यही प्रभु हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेगा। और क्रिश्चियन लाइफ में कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। घुटनों में बैठना और प्रार्थना करना यही एक शॉर्टकट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अपने आने वाले जो साल है 2022 में प्रभु इस ओक्लाहोमा हिंदी प्रलयन को बहुत आय से बढ़ाए और अपना सबका मकसद एक ही रहे कि अपने जीवन शुद्धिकरण चाहिए, अपन को विशुद्धि के साथ आपको जीना है, आपको पवित्र आत्मा के फलों से भरना है। वरदानों से भी अधिक अपन को फल चाहिए। वरदान तो एक जो फ्रूट गिफ्ट रहता है वो तो फ्री गिफ्ट रहता है, कोई भी किसी को गिफ्ट दे सकता है, परंतु फ्रूट जो है वो आपको डेवलप करना है। दिन पर दिन हमें हमारे जीवन में हर एक फल को डेवलप करके लेना है। तो हमारी प्रार्थना यही रहती है, प्रभु जिस प्रकार से तेरा स्वभाव था उस प्रकार से मुझे भी एक स्वभाव दे, मेरे हृदय में प्रेम से तू भर दे, सब इंसान से मैं प्रार्थना करने वाली हो सकूं, सब इंसान के लिए प्रार्थना करने वाली हो सकूं, सब इंसान को प्रेम करने वाली हो सकूं। और जो दुल्हा जो है वो पवित्र है, वो केवल पवित्र दुल्हन के लिए ही आ रहा है। तो हमें एक पवित्र जीवन जीना है, हमारी अशुद्धि को सबको पूरी रीति से हटाकर हमें उसके सामने खड़े होने के योग्य बनना है। अभी हमें उतना समय नहीं कि हम कौन से चर्च में जाते हैं, हम कैसा वस्त्र धारण करते हैं, हमारे चर्च के कितने मेंबर हैं, कैसा मिनिस्ट्री है, वो सब समय चला गया है, वो सब ठीक है। परंतु हमको जो ज्यादा फोकस यही करना है कि हमारा पर्सनल रिलेशनशिप ईश्वर के साथ कैसा है, क्योंकि वो दिन बहुत नजदीक है जबकि तुरही का शब्द सुनाई देगा और हम सबको परमेश्वर के जजमेंट सीट के सामने खड़ा होना पड़ेगा और हर एक व्यक्ति ने जिस प्रकार का काम किया है उस प्रकार के अनुसार इसको प्रतिफल मिलेगा। भले अपन ने कुछ सबके पब्लिकली किया हो या पीछे किया हो, कैसा भी किया हो, सब अच्छा किया हो या बुरा किया हो, सब कुछ परमेश्वर के सामने खुली हुई किताब के समान है। तो हमें जो कुछ भी हम करते हैं फेथफुली करना है, पूरे शक्ति के साथ करना, पूरे प्रेम के साथ करना, किसी को दिखाने के लिए नहीं और ना ही किसी से वाहवाह या नाम प्राप्त करने के लिए। और हमें जो कुछ भी हम काम करते हैं परमेश्वर के सामने हम इनोसेंटली एक विश्वास योग्यता के साथ प्रभु से केवल प्रतिफल मिलेगा वो सोच के करना है। अगर ऐसा काम करेंगे, अगर आप एक ज्यादा पढ़े लिखे भी ना हो, अगर आपको इंग्लिश हिंदी बोलना भी नहीं आता, परंतु अगर आपको प्रार्थना करना आता, आपको कोई जानता भी नहीं हो, परंतु जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आपको सबसे बड़ा प्रतिफल वहां मिलेगा। तो उसके लिए हमें तैयारी करना है। तो प्रभु जिस प्रकार से हन्ना ने प्रार्थना किया था उसी प्रकार से हमारे हर सुख दुख में हमें निरंतर प्रार्थना करना, नॉन स्टॉप। प्रभु कभी भी हॉलीडे नहीं लेता, वेकेशन नहीं लेता, हमेशा अपनी आंखों की पुतली जैसे जब हमें संभालता है उसी प्रकार से हमें निरंतर प्रार्थना करना है। जॉब में भी रहे, एक वचन को लेके आप सवेरे नौकरी में जाए, उस वचन को मेडिटेट करिए, प्रभु आपसे उस वचन के द्वारा बातचीत करेगा और आपको प्रभु में प्रसन्न प्रभु आपको बनाएगा। प्रभु आप सबों को इस वचनों के द्वारा आशीषित करें। मैं ओक्लाहोमा प्रलयन के लिए, बीजी के लिए, हस्बैंड के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि पूरे साल प्रभु उन्होंने विश्वास योग्यता के साथ इस प्रलयन को चलाया। उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट है, जितने भी गीत गाते हैं, कंडक्ट करते हैं, सबों को प्रभु बहुत से आशीषित करें। आप मेरे लिए, मेरे हस्बैंड जॉर्ज के लिए और मेरे दो बच्चे हैं हैना एंड सैमुएल, हैना इज 16 इयर्स ओल्ड, सैमुएल इज 15 इयर्स ओल्ड, उन दोनों बेटों के लिए, बच्चों के लिए भी आप लोग प्रार्थना करिएगा। जय मसीह की, आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। बहुत आई से प्रभु का वचन आप हमारे बीच में पेश किया है।